यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के मोस्ट क्वेश्चन का वेक्टर्स का वीडियो नंबर वन का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें हमने मोस्ट क्वेश्चन डाले थे पहले वेक्टर के। स्टार्टिंग की 6 वीडियो हमारी अनसॉल्व थी, केवल क्वेश्चन थे। तो उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि इनको सॉल्व करिएगा, तो उनका हम सोल्यूशन एक एक वीडियोज़ करके वीडियो वाइज इसमें सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। तो पहली वाली वीडियो है हमारा वीडियो नंबर वन। वीडियो नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड, देन प्रूव करना वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। एक कंडीशन हम बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू होता है मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर जो होगा, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर को वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। ये जो कंडीशन दिया हुआ था मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये लाइन बन जाएगी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग करने पर। तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो ये कंडीशन बन जा रही है। इसमें अब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे ये वाला, वेक्टर ए का मॉड है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है। सिमिलरली हमने ये लिखा था वेक्टर ए प्लस बी का, वेक्टर ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए लिखा जाएगा प्लस का ए डॉट बी लिखा जाएगा, बी डॉट ए लिखा जाएगा प्लस का बी डॉट बी, इक्वल टू होगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस का बी डॉट ए माइनस माइनस का प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल एंड ए डॉट ए से ए डॉट ए कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, यहाँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए यानी कि 2 ए डॉट बी हो जाएगा, और वहाँ पे भी बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, आपस में कम्यूट हो सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, इधर साइड हो गया एल एच एस साइड में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वहाँ पर हो जाएगा आर एच एस माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एक साइड में सेपरेट करते हैं 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 0 नहीं होगा, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, हैंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। पहला क्वेश्चन हो चुका है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू था ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू था ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए डॉट वेक्टर बी, ये था शायद मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। सो करना था कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1। देखिएगा ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा हुआ करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी यानी कि ए बी कोस थीटा, ए ए बी कोस थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए मोड वेक्टर बी मोड। अब ए जो होता है ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मोड एंड वी इक्वल टू होता है वेक्टर बी का मोड। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए मोड वेक्टर बी मोड एंड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए मोड वेक्टर बी का मोड, ठीक है ना। ये अगर कैंसिल हो जाते हैं दोनों, ये टर्म कैंसिल हो जाता है, देन कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यही प्रूव करना भी था कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी टेक्निकल पार्ट से आसान सा टेक्निकली क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड था ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी का हाफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन लगने वाला है, ए क्रॉस बी, देखिएगा ये होता है ए डॉट ए, ए डॉट ए का स्क्वायर, ए डॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है ना, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कंडीशन अप्लाई किया करता है। तो इसको यानी ए डॉट ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, होलो ब्रैकेट करके उसका होलो स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मोड भी इसको लिख सकते हैं, इतने को यानी ए क्रॉस बी का होलो स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी का मोड का स्क्वायर। ऐसे ही इतने जो दूसरा वाला पोर्शन है ये इसको हम ये लिख सकते हैं, एंड ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा यहाँ पे होता है ये, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी के मोड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी का जो मोड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और ये होता है ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लिया जाएगा। ये दोनों पार्ट यहाँ पे पुट कर दें LHS में, तो LHS अगर ले लिया जाए यहाँ पे, इसकी जो क्वांटिटी आया है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का हाल ऑफ स्क्वायर, और इसका आया है ए बी कॉस थीटा का हाल ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही पुट करना आंसर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है ए प्लस का बी, बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए इक्वल टू आता है 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब नॉन जीरो वेक्टर हैं ए बी सी, तो LHS पार्ट लेंगे। ये क्वेश्चन आगे भी एक दो वीडियो में भी आ चुका है, एक दो टाइप में और आ चुका है, जैसे आएगा तो वहाँ पे उसको बता देंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है। लेट मान लेंगे ए प्लस वी को हमने सपोज एल लेट किया, तो वॉल्यूम ऑफ एल, और इसको एम लेट कर लेते हैं बी प्लस सी को, और सी प्लस ए को एन लेट कर लेते हैं सी प्लस ई को, तो ये हो गया एल एम एंड एन। वॉल्यूम ऑफ एल एम एन जैसे होता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी हुआ करता है, तो यहाँ पे एल डॉट एम क्रॉस एन हो जाएगा, तो एल डॉट एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन की वैल्यूज पुट कर देते हैं सी प्लस ए, ठीक है, एम क्रॉस सी प्लस ए, तो सी प्लस ए यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं एल डॉट, यह हो जाएगा एम क्रॉस सी प्लस का एम क्रॉस ए, यहाँ पे फिर एम की वैल्यू पुट करेंगे बी प्लस सी, और यहाँ पे भी एम की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो एल डॉट यह हो जाएगा बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस का बी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट पुट कर देते हैं अंदर, इसमें मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, तो क्या कंडीशन बनने वाला है, ये चला एल डॉट बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस का सी प्लस का बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए, एल से मल्टीप्लाइंग करेंगे, यानी कि एल की जो वैल्यू था ए, ए प्लस बी था, वैल्यू रख दे रहे हैं एल का, बी क्रॉस का सी प्लस का सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी जीरो हो जाता है, इसको हटा दें जीरो हो जाएगा, प्लस का बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए, ठीक है। अब बात आती है ए प्लस बी है, इसका एक एक करके डॉट कर देते हैं, जैसे ए से किया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस का यहाँ से होगा ए डॉट बी क्रॉस ए एंड ए डॉट सी क्रॉस ए एंड बी से लेंगे बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस का बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस का बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी एंड ये ए बी ए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ए सी ए हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी बी सी हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ बी बी ए हो जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। जो वॉल्यूम में दो क्वांटिटी एक सी ऐसी होती है, जैसे ए बी ए है, ए सी ए है, बी बी सी है एंड बी बी ए, ये सब जीरो होंगे, यानी दो क्वांटिटी एक होने पर क्वांटिटी जीरो हुआ करती है, ये वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बचता है, ये जीरो 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 एंड जीरो एंड लास्ट वाला जो बी सी ए होता है वो ए बी सी के इक्वल हुआ करता है। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सी ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी ए बी, देन हो जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यही हमको लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है,
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव था हमारा ए माइनस का बी, बी माइनस का सी एंड सी माइनस का ए इक्वल टू जीरो आता है। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें मान लो ये क्वांटिटीज़ है, इसमें भी एलिमेंट मान लेंगे माइनस में है तो इसकी क्वांटिटीज़ जीरो आता है, बी माइनस का सी एंड एन इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस का ए, तो ये वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट एन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट एल डॉट एम क्रॉस एन होगा, तो एल डॉट एम क्रॉस एन यानी कि बी माइनस का सी क्रॉस का सी माइनस का ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यह हो जाएगा बी क्रॉस का सी माइनस का बी क्रॉस का ए माइनस का सी क्रॉस का सी प्लस का सी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, एल डॉट बी क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस ए माइनस जीरो प्लस का सी क्रॉस ए। उसके बाद एल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, एल की जो क्वान्टिटीज़ है यहाँ पर पुट कर देते हैं, एल है ए माइनस बी, एल की जो वैल्यू है ए माइनस बी है, एल की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं ए माइनस का बी डॉट ही हो जाए बी क्रॉस का सी माइनस का बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए, ठीक है। अब ए से डॉट प्रोडक्ट अलग अलग लेंगे, ए से यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस का ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस का ए डॉट सी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस का बी डॉट बी क्रॉस सी एंड माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए एंड माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या क्वांटिटीज़ बनता है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए बी सी माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी ए प्लस का वॉल्यूम ऑफ ए सी ए माइनस का वॉल्यूम ऑफ बी बी सी प्लस का वॉल्यूम ऑफ बी बी ए माइनस का वॉल्यूम ऑफ बी सी ए, ठीक है। ए बी ए सी ए बी बी सी ए बी 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 ए इक्वल टू जीरो होंगे, यानी कि दो क्वांटिटीज़ वॉल्यूम एक जैसी होती हैं तो आंसर जीरो आता है। यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो माइनस का बी सी ए, वॉल्यूम ऑफ बी सी ए वॉल्यूम ऑफ ए बी सी के इक्वल होता है, यानी कि ए बी सी माइनस का ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो उसका जो आंसर है जीरो ही हमको लाना था, वॉल्यूम ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। पांच क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमारा ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का हॉल ऑफ स्क्वायर, इसी तरह से होना है, यहाँ पे एलिमेंट मान लेंगे एल इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड एम इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड एन इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। एल एम एन हमने पुट किया है तो एल एच एस पार्ट हमारा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ एल एम एन, ठीक है, तो होगा एल डॉट एम क्रॉस एन, एल डॉट एम क्रॉस एन एम है बी क्रॉस सी, ए की वैल्यू रखेंगे एंड अभी हमने केवल एन की वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला हुआ करता है ए डॉट सी यानी कि ये इंटू ये माइनस का ए डॉट सी इंटू सी माइनस का एम डॉट सी इंटू ए, फॉर्मूला अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा हो तो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी ए डॉट सी माइनस का ए डॉट बी सी, ठीक है। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, एम का वैल्यू पुट कर देंगे, एम का वैल्यू है बी क्रॉस सी, ठीक है, एम का वैल्यू बी क्रॉस सी है तो एल डॉट चल रहा है, एम का वैल्यू बी क्रॉस सी डॉट ए एंड सी है माइनस का होगा बी क्रॉस का सी डॉट सी एंड ए चल रहा है। अब देखते हैं, देखिएगा बी क्रॉस सी डॉट ए यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी सी ए इंटू सी माइनस का बी सी सी इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ बी सी सी जीरो हो जाएगा एल डॉट बी सी ए सी माइनस का जीरो, वॉल्यूम में दो क्वांटिटीज एक जैसी होने पर वैल्यू जीरो होता है यानी कि बी सी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एल की वैल्यू रख देते हैं ए क्रॉस का बी डॉट बी सी ए इंटू सी, सी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होना ए क्रॉस बी डॉट सी और ये है बी सी ए, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ये भी ए बी सी बनेगा एंड बी सी ए है, बी सी ए को हम ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी इंटू ए बी सी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कितने, छः। सातवां क्वेश्चन है वेक्टर ए डॉट ए का कैप, ए डॉट ए का कैप इक्वल टू वेक्टर बी डॉट बी का कैप इक्वल टू सी डॉट सी का कैप सी डॉट सी
सी डैश इक्वल टू वन, ये जो है ए डैश बी डैश सी डैश आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन है हमारा ए डॉट ए कैप इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का डैश एंड सी डॉट वेक्टर सी का डैश इक्वल टू होगा वन, वेहर जैसे ए का डैश है इज द रेसिप्रोकल वेक्टर बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी है, एंड बी का जो डैश होगा सी क्रॉस ए होगा सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, एंड सी का डैश होगा ए क्रॉस बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हुआ करती है ए डैश बी डैश एंड सी डैश का। अब लाते हैं यहाँ पे ए डॉट वेक्टर ए का डैश होगा बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी चल ही रहा है, बी डॉट बी का डैश हो जाएगा वेक्टर बी का डैश सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू सी डॉट सी का कैप होगा ए क्रॉस बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यानी कि ऊपर बना वॉल्यूम ऑफ ए बी सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सी ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी ए बी इक्वल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बी सी एंड सी ए भी आपस में बराबर होते हैं, देन ये हो जाएगा ये हुआ वन और बी सी ए को भी ए बी सी हो जाएगा अपॉन ये भी ए बी सी हुआ और ये भी ए बी सी के इक्वल हुआ अपॉन ए बी सी, यानी कि वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन ऑल ऑफ क्वान्टिटीज वन आ गया। ठीक है, तो इस वाले में यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, वॉल्यूम ए डैश बी डैश ये भी रेसिप्रोकल है एंड वेक्टर सी का डैश इक्वल टू वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स हैं वेक्टर ए का डैश वेक्टर बी का डैश या वेक्टर ए का डैश है ये। ठीक है, और ये वेक्टर बी का डैश है ये वेक्टर सी का डैश है। ठीक, ये आपस में रेसिप्रोकल्स हुआ करते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर ए का डैश होता है वेक्टर बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी होता है। ठीक है, एंड वेक्टर बी का डैश होता है सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, एंड सी का जो डैश होता है ए क्रॉस बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी होता है। अगर अगर इसका वॉल्यूम्स लिया जाता है इसका वॉल्यूम लिया जाता है तो अपने आप में सेट होकर इसके इक्वल आ जाया करता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेक्टर ए का डैश वेक्टर बी का डैश एंड वेक्टर सी का डैश इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए का डैश डॉट वेक्टर बी का वेक्टर बी का डैश क्रॉस वेक्टर सी का डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी क्रॉस सी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी एंड क्रॉस सी डैश हो जाएगा ए क्रॉस का बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब उसमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया जाए, ऊपर वाले पोर्शन में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि सॉल्व होने के बाद केवल इतना ही पोर्शन बचेगा वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ही बचेगा, फिर भी इसमें अब सॉल्व करने पर आए तो करना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है, कर देते हैं, इतना वैसे फॉर्मूला टाइप याद किया जा सकता था, कोई बात नहीं है। वेक्टर ए का डैश यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करना है, चार टर्म्स हो रहे हैं तो चार टर्म्स को हम दो ही टर्म रहने देते हैं पहले, और नीचे हमारा ये वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर बी का डैश डॉट बी ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए आ जाएगा माइनस का वेक्टर बी का डैश डॉट ए इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद इनमें जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, वेक्टर वेक्टर बी का डैश अब ये क्वांटिटीज अभी हमने एक क्वेश्चन प्रूव किया था वेक्टर बी का डैश इंटू बी डैश, वेक्टर बी का जो डैश है बी क्रॉस सी बी का डैश हो जाएगा वेक्टर ए का जो डैश था बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी था। ठीक है ना, वेक्टर बी का डैश सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी होगा, वेक्टर बी का डैश इंटू बी डैश वेक्टर बी का डैश इंटू बी इक्वल टू वन आया था सी का डैश इंटू सी इक्वल टू वन आया था, तो ये क्वान्टिटीज वन हो जानी है, ये वन हो जाना है एंड ये वाली क्वान्टिटीज यहाँ पे केवल बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वन हो जा रहा है, तो यहाँ होगा वेक्टर ए का डैश और यह हो गया वन इंटू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर
बी का डैश डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो वेक्टर ए का डैश यह क्या वेक्टर ए माइनस का इसका डॉट डॉट प्रोडक्ट है आपस में डॉट हो सकता है वेक्टर बी का डैश वेक्टर बी का डैश इंटू वेक्टर ए। वेक्टर बी का जो डैश था वेक्टर बी का डैश होगा सी क्रॉस ए डॉट ए यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए यह हो जाएगा जीरो। अगर इसको इसके साथ लेते हैं तो वेक्टर ए बचेगा ए माइनस ए जीरो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना है तो यहाँ पे भाई इसको अलग से हम चूँकि सॉल्व करके लिख दे रहे हैं वेक्टर बी का डैश इंटू वेक्टर ए। वेक्टर बी का डैश ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी डॉट वेक्टर ए यानी कि बी सी ए हो जाएगा। बी सी ए को हम नहीं 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 वेक्टर बी का जो डैश होता है बी का डैश सी क्रॉस ए होगा सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी होगा ये होता है। वेक्टर बी का डैश होगा यहाँ पे सी क्रॉस ए सॉरी सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी और यहाँ पे डॉट ए था तो ऊपर जो वॉल्यूम बनेगा वो होगा सी ए ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। दो क्वांटिटीज़ सेम होने पर जीरो होती है जीरो अपॉन वॉल्यूम ए बी सी यानी कि ये क्वांटिटीज़ जीरो हो जानी है। तो आगे हमारा बचेगा वेक्टर ए का डैश हम ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस का जीरो अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का हल ऑफ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का हल ऑफ स्क्वायर हो जा रहा है तो ठीक है वेक्टर ए का डैश इंटू वेक्टर ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है। वेक्टर ए का डैश इंटू वेक्टर ए भी वन हो जाएगा ठीक अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बच रहा है ए बी सी बचना चाहिए था ए बी सी का स्क्वायर कैसे बचा कहीं पे मल्टीप्लाइंग लिया कि एलसीएम लिया अगर एलसीएम लिया होगा वहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी रहा होगा हो सकता है कि हमने वो मल्टीप्लाइंग कर दिया हो ना अगर एल सी एम में होगा तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ही रहा होगा। तो एक मिनट उसको चेक कर लीजिएगा ऊपर जो पोर्शन है वो तो वन बन गया है वन होता ही है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बन रहा है तो ये वैसे देखा जाए तो प्रूफ हो चुका है अगर यहाँ पे कोई अगर गलती नहीं हुई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्म होता है इतना वेक्टर ए का डैश वेक्टर बी का डैश वेक्टर सी का डैश इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन इसी वीडियो का हमारा पड़ा हुआ है उसको भी हम इसी के साथ दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको नहीं कराएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 15 सेम थे। क्वेश्चन नंबर 15 में है वेक्टर ई वन डैश वेक्टर ई टू का डैश एंड वेक्टर ई थ्री का डैश आर वेक्टर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर ई वेक्टर ई वन वेक्टर ई टू एंड वेक्टर ई थ्री। ठीक है तो ये कंडीशन इसमें प्रूव करना था वेक्टर ई वन डैश वेक्टर ई टू का डैश वेक्टर ई थ्री का डैश इक्वल टू वन अपॉन वेक्टर ई वन वेक्टर ई टू वेक्टर ई थ्री। ठीक है वहाँ पे ए बी सी चल रहा है यहाँ पे ई वन ई टू ई थ्री चल रहा है क्वेश्चन वही है कोई खास इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है वही वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 8 एक ही है उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। एंड जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था वॉल्यूम ऑफ ए प्लस का बी बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए इक्वल टू था 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी तो यही है क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है और दोबारा लिखा गया है। तो 18 15 दो हो गए हैं इसमें है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर वही कंडीशन है देन वेक्टर ए प्लस का बी बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ये यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा वही है ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए ही होता है। और एंड क्वेश्चन नंबर जो 19 है 19 में कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर का जो वॉल्यूम ऑफ देन प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ ए प्लस का बी वॉल्यूम ऑफ बी प्लस सी वॉल्यूम ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू जीरो लाना है।
जनरली जो होगा आप सॉल्यूशन इसका छोटा सा बना दे रहे हैं, देखिएगा ए प्लस का बी, बी प्लस का सी एंड सी प्लस ए का जो आंसर आ रहा है टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी आता है। फॉर कोप्लेनर अगर है तो कोप्लेनर के लिए वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू जीरो हुआ करता है। अगर ए बी सी तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता है कितना, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो ये टू ए बी सी आता ही है। फॉर कोप्लेनर वेक्टर के लिए वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाता है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हो गया। तो इसके करने से इस तरह से हमारे दो क्वेश्चन और एक साथ हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है, दो क्वेश्चन फिर भी मतलब दो अलग अलग फॉन्ट में लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टाइल है वो लिखा है इस तरह से, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस का जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस का के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू टू वेक्टर ए लाना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, 12 नंबर है आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई प्लस का जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे प्लस का के क्रॉस एक्स क्रॉस के इक्वल टू टू वेक्टर एक्स लाना है। एक ही बात हुई, वहाँ पे ए दिया है, वहाँ पे एक्स दिया है, क्वेश्चन तो वही है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो कोई सा एक प्रूफ हो जाए, एक ही बात है ना, एक ही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें कोई खास चेंजिंग वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2x लाना है, वहाँ पे 2a लाना है, तो 2a एंड 2x में कोई खास अंतर नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, एक दोनों एक ही है, कोई सा एक भी इसमें प्रूफ कर दिया जाए। तो देखते हैं, एक कर देते हैं, चलो 9 कर दें या 12 कर दें, एक ही बात है। वेक्टर ए को यहाँ पे मान लेंगे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस का ए थ्री के, ठीक है ना। एंड ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के एंड क्रॉस आई, तो ए वन आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, ए टू जे क्रॉस आई एंड प्लस का ए थ्री के क्रॉस आई, तो ए वन इंटू जीरो प्लस का ए टू, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक सर्किल के टर्म में चलता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, यानी कि जे जे क्रॉस आई माइनस के होगा, ये होगा माइनस का के एंड ए थ्री के क्रॉस आई। के क्रॉस आई की अगर बात करते हैं, के क्रॉस आई इक्वल टू, के क्रॉस आई इक्वल टू होगा जे, यानी कि ए ए क्रॉस आई इक्वल टू आ गया माइनस का ए टू के प्लस का ए थ्री जे, ठीक है, ये आ गया माइनस का ए टू के प्लस ए थ्री जे। ए क्रॉस आई निकाल चुके हैं, फिर आई क्रॉस ए क्रॉस आई लेना है, आई क्रॉस ए क्रॉस आई यानी आई के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए टू के प्लस का ए थ्री जे, तो ये हो जाएगा माइनस का ए टू आई क्रॉस के प्लस का ए थ्री आई क्रॉस जे। आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के जो हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा प्लस का ए थ्री, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस बनेगा, तो पहला जो पोर्शन हमारा बन रहा ए टू जे प्लस ए थ्री के बना, यानी कि आई क्रॉस आई वाला जो पोर्शन है, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, तो आई वाला पोर्शन इसमें गायब हो रहा है, जैसे इसमें आई माना है तो ए वन नहीं मिल रहा है, ए टू जे प्लस ए थ्री के आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने ए में माना है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, तो हमारा जो वैल्यूज निकला है आई क्रॉस ए क्रॉस आई का वैल्यू आया है ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सिमिलरली लेते हैं जे क्रॉस ए क्रॉस जे अगर लेते हैं, तो जे वाला पोर्शन गायब होगा, यानी बचेगा ए वन आई प्लस का ए थ्री के बचेगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाला पोर्शन यानी कि के क्रॉस ए क्रॉस के लेते हैं, के क्रॉस ए क्रॉस के की बात अगर किया जाए, तो के वाला पोर्शन गायब रहेगा, के यानी जे, तो ए वन आई प्लस का ए टू जे बचेगा। ये तीनों को अगर एडिंग कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो एडिंग करने में क्या बन जाएगा, एल एच एस बन जाएगा। तो एडिंग करने में ना आई क्रॉस ए क्रॉस आई ये एल एच एस हो जा रहा हमारा, प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस का के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू, यहाँ पे ए वन आई वाले दो हैं, टू ए वन आई टू ए टू जे एंड टू ए थ्री
के टू कॉमन लेंगे ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के वेक्टर ए माने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टू वेक्टर है, ठीक है, टू वेक्टर ए हो गया। तो दो क्वेश्चन इसमें एक जैसे थे, बिल्कुल ओके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12, तो हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, इसमें वॉल्यूम ऑफ ए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का टू वॉल्यूम ऑफ बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। हमने अभी एक कंडीशन बताया था, तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज होगा, ऐसा है ये बताया था ए डॉट ए इक्वल टू था वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए डॉट ए, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेक्टर ए का एक का वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, एंड इसको लिख सकते हैं माइनस वाले को वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस का ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी ए डॉट ए, ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी माइनस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी, ए डॉट ए वेक्टर ए का स्क्वायर, यानी मोड ऑफ वेक्टर ए भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट बी बी डॉट ए यानी कि टू ए डॉट बी हो जाएगा, टू ए डॉट बी हो जाएगा, एंड यहाँ पे बी डॉट बी वेक्टर बी का स्क्वायर, यहाँ पे वेक्टर ए का मोड ऑफ स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा टू ए डॉट बी माइनस का ए डॉट बी बी डॉट ए को, हाँ बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिखा जा सकता है, यहाँ पे बी डॉट बी है तो ये वेक्टर बी का हाल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, टू वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर प्लस का टू वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, यही आंसर लाना था, यानी आर एच एस हमारा यही है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, 10 के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11 के जैसा कोई और तो नहीं है, हाँ चेक कर ले, नहीं 11 है हमारा, वेक्टर ए डॉट आई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का ए मोड है भाई, ए ए डॉट आई के मोड स्क्वायर प्लस का वेक्टर ए क्रॉस जे का मोड का स्क्वायर प्लस का ए क्रॉस के का मोड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का मोड का होल ऑफ स्क्वायर ए क्रॉस आई, ठीक है। अब इसमें भी वही लिखा जा सकता है, ए क्रॉस आई का जो इस मोड का स्क्वायर है इसको ए क्रॉस आई इंटू ए क्रॉस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे ए क्रॉस आई इंटू ए क्रॉस आई, वेक्टर ए को मान लेंगे ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के, ठीक है। ऐसे ही अगर ए क्रॉस आई की बात आ जाए तो ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के क्रॉस आई, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए वन आई क्रॉस आई प्लस का ए टू जे क्रॉस आई प्लस का ए थ्री के क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा ए वन ये जीरो ए टू जे क्रॉस आई, यानी आई क्रॉस जे के होता है तो माइनस का के हो जाएगा, एंड ए थ्री के क्रॉस आई जे होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगा ए टू के प्लस का ए थ्री जे, यहाँ का एक रोस आई आ चुका है, एक रोस आई का एक रोस आई के साथ डॉट लेना है, एक रोस आई डॉट एक रोस आई, एक रोस आई डॉट एक रोस आई इक्वल टू बनेगा हमारा माइनस का ए टू के प्लस का ए थ्री जे डॉट डॉट माइनस का ए टू के प्लस का ए थ्री जे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटीज़ होती है, आई डॉट आई वन होता है, जी डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, तो खुद से खुद का डॉट लेना, यानी कि ए टू का ए टू से ही लेंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए टू स्क्वायर के डॉट के वन हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए थ्री स्क्वायर जे डॉट जे वन, यानी कि इसकी जो क्वान्टिटी आई ए टू स्क्वायर प्लस का ए थ्री का स्क्वायर आ चुका है। पहले वाले में यानी कि आई वाले के साथ डॉट कर रहे हैं, ए क्रॉस आई का स्क्वायर है, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर आया है, तो जे वाले में ए वन का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर आएगा, एंड के वाले में लेंगे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आएगा, तो उसको बिना सोल्व किए यानी कि सिमिलरली कंडीशन लिखी जा सकती है, दैन सिमिलरली लिख देंगे। इसी प्रकार ए क्रॉस जे का हॉल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
इसमें टू एंड थ्री था, यहाँ पे ए वन स्क्वायर प्लस का ए थ्री स्क्वायर होगा एंड ए क्रॉस के का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर होगा। तीनों को अगर एडिंग कर दें तो एल एच एस बन जाएगा। एडिंग करने पर तो यह हो जाएगा ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए टू स्क्वायर, या ए टू वाले टू हैं, टू ए टू स्क्वायर, ए वन वाले भी टू हैं, टू ए वन स्क्वायर एंड टू ए थ्री स्क्वायर, यानी कि टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस का ए थ्री का होल ऑफ स्क्वायर, टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर ए हमने माना था, वेक्टर ए इक्वल टू था हमारा, देखिए बता देते हैं, वेक्टर ए ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के माना है, तो वेक्टर ए का जो मोड होगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर होगा एंड वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाए टू वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर यानी कि आर एच एस आ गया, वही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 हो चुका है, ये क्वेश्चन की एक जैसा कहीं बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना, तो एल एच एस लेंगे, यह होगा वॉल्यूम ऑफ यह ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए ए बी, दो वैल्यू सेम है तो आंसर जीरो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हुआ ही है पहले से, 14 है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो लाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला हुआ करता है ना, उसी टर्म के आगे इसमें भी फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। तो ये था हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी प्लस यहाँ हो जाएगा बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए प्लस का सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी। अब आ जाती है ए डॉट सी को सी डॉट ए लिखा जा सकता है, ए डॉट सी बी माइनस यह है ए डॉट बी सी प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी सी माइनस बी डॉट सी ए प्लस यह हो जाएगा बी डॉट सी ए माइनस ए डॉट सी बी, ए डॉट सी बी ये कैंसिल हुआ एंड ए डॉट बी सी ए डॉट बी सी ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया जीरो। ठीक है ना, आंसर इसका जीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ऑलरेडी पहले से ई वन ई टू का डैश रेसिप्रोकल वाला हो चुका है, 16 कराते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दिया है, देन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। यानी कि वेक्टर सी में एक कॉम्बिनेशन है, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है एंड वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन दिया है तो सी का स्क्वायर लाना है, तो सी डॉट सी इक्वल टू कर सकते हैं ए प्लस का बी डॉट ए प्लस बी, ओके, यानी इसका स्क्वायरिंग कर दें, अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो सी डॉट सी इधर हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी का हॉल ऑफ स्क्वायर या मोड ऑफ सी का स्क्वायर या डायरेक्ट सी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, वेक्टर सी का स्क्वायर या मोड ऑफ सी स्क्वायर या सी स्क्वायर ए डॉट ए, यहाँ पर होगा ए डॉट ए प्लस का ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी, यानी कि हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगली लाइन में स्क्वायर लिख देंगे, टू ए डॉट बी प्लस का वेक्टर बी का स्क्वायर, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो गिवन है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का जीरो प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 17, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 6 दिया है, मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 8 दिया है एंड ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 10 दिया है, फाइंड द मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी निकालना है।
अब बात आती है मोड ऑफ वेक्टर ए का, ए का मोड। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, ए वेक्टर ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 10 है। अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं, ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस का बी डॉट वेक्टर ए माइनस का बी इक्वल टू 100। यहाँ हो जाएगा ए डॉट ए, ए डॉट ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी माइनस का बी डॉट ए माइनस माइनस का प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 100। इसको लिख से मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 100। मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी प्लस का बी 8 का स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी कि 36 माइनस का 2 ए डॉट बी प्लस का 64 इक्वल टू 100। 36 और 64 100 ही होता है। 36 प्लस का 64 इक्वल टू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, यानी 2 ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ चुका है। यहाँ से हमको कंडीशन मिल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो इस अब लाना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना है। वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी हमको मिल चुका है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया है। इसका स्क्वायर ही लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस का ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी, यानी कि इसको वेक्टर ए का स्क्वायर लिखेंगे। 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस का वेक्टर बी का हॉल ऑफ स्क्वायर लेंगे, ये 6 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी 0 है, डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाना है। एंड ये था हमारा 8 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस का हो जल्दी में हो रहा है 100, यानी कि ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 100। देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू 10 आ जाएगा। और नेक्स्ट 18 एंड 19 हैं, किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो चुके हैं, ऊपर कहीं हो चुके हैं, इसी वीडियो में हुए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस वीडियो में हमारे 22 क्वेश्चन हैं, बस एंड होने ही वाला है। ए माइनस का बी डॉट बी माइनस का सी क्रॉस सी माइनस का ए इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। ए माइनस का बी, ओके, अब इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आरएचएस लेंगे। ए माइनस का वेक्टर बी डॉट यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस का एंड वी क्रॉस ए माइनस का सी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए। अब बी सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, ए माइनस का वेक्टर बी डॉट होगा वेक्टर बी क्रॉस का वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी क्रॉस ये 0 प्लस का सी क्रॉस वेक्टर ए। अब ए माइनस का बी डॉट होगा बी क्रॉस का सी माइनस का बी क्रॉस का ए प्लस का सी क्रॉस का वेक्टर ए, डॉट कर देते हैं, यह हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस का सी माइनस का ए डॉट बी क्रॉस ए एंड प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस माइनस का प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए एंड माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यह हो जाएगा ए बी ए एंड ये हो जाएगा ए सी ए, ये हो जाएगा बी बी सी एंड ये हो जाएगा बी बी ए एंड बी सी ए। ए बी ए ए सी बी बी सी 0 हो जाएंगे एंड बी बी ए भी 0 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम में दो क्वांटिटी सेम होने पर उनकी वैल्यूज़ 0 आता है। उसके बाद बचता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस का वॉल्यूम ऑफ बी सी ए। बी सी ए को वॉल्यूम ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। बी सी ए इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यानी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, 21 एंड 22 एक जैसे हैं, चलो करा देते हैं। पीछे भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन एक हुआ है, इसमें दिया वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस का सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू लाना है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का हॉल ऑफ स्क्वायर, ए बी सी का हॉल ऑफ स्क्वायर। हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही दिया था, ठीक है, ए क्रॉस बी
बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 21 एक ही है, कोई नहीं पीछे हो चुका है, वहाँ पे केवल वेक्टर फॉर्म में दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, तो यानी 21 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा चेंज है, यही है क्वेश्चन, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। देन प्रूफ करना है हमको ए क्रॉस का बी, बी क्रॉस का सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 लाना है। देखेगा तो जनरल कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर 6 से या क्वेश्चन नंबर 21 से आया है, बी नो दैट ये था हमारे पास ए क्रॉस का बी, बी क्रॉस का सी एंड सी क्रॉस का ए इक्वल टू था वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। इफ वेक्टर ए वेक्टर वी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर हैं, अगर कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता है 0। बस यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी की वैल्यू पुट कर देना है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी 0 है, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हैंस प्रूव्ड। तो वीडियो नंबर 1 जो था हमारा इतने क्वेश्चन थे, वीडियो नंबर 2 में भी इसी टाइप से इतने ही लगभग क्वेश्चन हैं, और बाकी 3, 4, 5 उनमें 10-10 क्वेश्चन हैं, वो आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोई नहीं, उनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं।